गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग मैसेंजर पर किसी भी पर्सन के प्रोफाइल को आप लोग म्यूट और अनम्यूट कैसे कर सकते हो। सो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग मैसेंजर पर किसी भी पर्सन की प्रोफाइल को म्यूट और अनम्यूट कैसे कर सकते हो। तो इसको करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि म्यूट और अनम्यूट का मतलब क्या है। म्यूट का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन अगर मैसेंजर पर आप लोगों को मैसेज करता है या कॉल करता है सो आप लोग जब म्यूट कर देंगे तो वो पर्सन आपको जब भी कॉल या मैसेज करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को शो नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कंटिन्यू मैसेज करते रहते हैं, अगर आप लोग उनको मना भी करते हो, रोकते भी हो, लेकिन वो लोग आप लोगों को कंटिन्यू मैसेज और कॉल करते रहते हैं, जिससे आप लोगों को बार बार इरिटेशन होता है, बार बार आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है मैसेंजर की तरफ से। सो आप लोग इस फीचर का यूज़ करके उस पर्सन जब भी आप लोगों को वो पर्सन मैसेज या कॉल करेगा तो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग इसको कैसे कर सकते हो म्यूट और अनम्यूट। सो इसको करने के लिए आप लोगों को अपनी मैसेंजर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को जो भी पर्सन कंटिन्यू मैसेज करते रहता है, आप लोगों को परेशान कर, तो आप लोगों को उसके प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आई का ऑप्शन दिख रहा है टॉप राइट साइड में, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा है म्यूट का, आप लोगों को म्यूट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी पर्सन है, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसकी मैसेज का आप लोगों को नोटिफिकेशन ना आए तो आप लोग उसके फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर चाहते हैं कि ये पर्सन कॉल करता है तो सिर्फ कॉल का नोटिफिकेशन आप लोगों के मैसेंजर पर ना आए तो आप लोग सेकंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन जिसको आप लोग म्यूट कर रहे हैं वो जब भी कॉल करे या मैसेज करे तो दोनों का आप लोगों का नोटिफिकेशन ना आए तो आप लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। सो हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसका मतलब अब ये पर्सन कोई भी मैसेज करेगा या आपको कॉल करेगा तो उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपको रिसीव नहीं होगा। तो सिंपल इस अब आप लोगों को ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि आप लोग कितने टाइम के लिए इस प्रोफाइल को म्यूट करना चाहते हो। सो हम यहाँ पे आप लोग जितना भी टाइम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उतने टाइम तक वो प्रोफाइल म्यूट रहेगी, उसके बाद वो पर्सन ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जब तक हम उसको अनम्यूट ना करें तब तक वो अनम्यूट नहीं हो। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं अनटिल आई टर्न इट बैक ऑन। जब हम लोग इसको अनम्यूट करेंगे तभी ये अनम्यूट होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक ये अनम्यूट नहीं होगा। तो सिंपल आप लोगों को यहाँ पे बैक कर लोगे तो अब ये पर्सन जो भी आप लोगों को कॉल या मैसेज करेगा मैसेंजर पर उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। सो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसकी प्रोफाइल के सामने एक आइकॉन भी आ गई है कि साउंड का ऑप्शन दिख रहा है और उस पर क्रॉस लिखा हुआ है कि इसका मतलब है कि नोटिफिकेशन बंद हो चुका है। इस पर्सन जब भी मैसेज करेगा आपको नोटिफिकेशन नहीं रिसीव होगा। सो आप लोग जब चाहते हैं कि उसको अनम्यूट करने के लिए तो आप लोग उसको अनम्यूट कैसे कर सकते हो, तो इसको करने के लिए अगेन आप लोगों को उसकी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पे टर्न ऑन का भी ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग इस पर टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्सन अगेन अनम्यूट हो जाएगा। जब भी आप मैसेज करेंगे तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आने लगेगा। अगर आप लोगों को ऐसा ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप लोगों को टॉप राइट साइड में आई के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है अनम्यूट का, तो अब आप लोगों को अनम्यूट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि ये प्रोफाइल अनम्यूट हो चुकी है। अब ये पर्सन जब भी हमें मैसेज या कॉल करेगा तो उसका नोटिफिकेशन मैसेंजर पर दिखाई देगा। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत ही आसानी से आप लोग मैसेंजर पर किसी भी प्रोफाइल को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।